मॉर्निंग बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर। और हमने अपनी पिछली हिंदी की क्लास में क्या पढ़ा था, याद है आपको? पिछली हिंदी की क्लास में हमने वर्ण पढ़े थे, चार वर्ण पढ़े थे। अ से अनार, क्या पढ़ा था हमने? छोटा अ से अनार, बड़ा से ई, बड़ी से ई। ये चारों हमने अपनी पिछली हिंदी की क्लास में पढ़े थे, है ना? आज हम उसके आगे के वर्ण पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए क्या है ये? ये क्या बना हुआ है, बता सकते हैं आप? छोटा उसे उल्लू, क्या बना है ये? उल्लू। और ये क्या है? बच्चों, अब आप अपनी पीकाबू वर्णमाला ज्ञान बुक का पेज नंबर 10 ओपन करिए। पेज नंबर 10। और पेज नंबर 10 पे क्या है? छोटी ई से इमली। इमली खाई है आपने? आपको पता है इमली का स्वाद कैसा होता है? खट्टा खट्टा। तो छोटी ई से इमली। और क्या क्या होता है छोटी से? इधर देखिए, छोटी से इमरती। मिठाई होती है ना इमरती, खाई है आपने? छोटी से इमरती। और देखिए क्या होता है छोटी से? छोटी से इमारत। छोटी से इमारत। इमारत मींस बिल्डिंग। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना, उनको इमारत भी कहते हैं। और देखिए क्या होता है छोटी से? देखिए देखिए, पहचानते हैं आप? छोटी से इलायची। छोटी से इलायची। मम्मा के किचन में रहती है ना इलायची। तो क्या क्या होता है छोटी से, एक बार फिर से देख लेते हैं। छोटी से इमली,
छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमरती, छोटी ई से इमरती, छोटी ई से इमारत, छोटी ई से इमारत, छोटी ई से इलायची, छोटी ई से इलायची। तो ये सारे शब्द किससे होते हैं? छोटी ई से। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इससे मिलता हुआ स्टिकर, ये क्या लिखा है? छोटी, छोटी के जैसा ही स्टिकर हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, यहाँ से आपको छोटी ई का स्टिकर निकालना है और कहाँ पेस्ट करना है? यहाँ इस स्टिकर को यहाँ पर पेस्ट करना है, चिपका देना है। ओके, ये काम आप पीकाबू हिंदी मैजिक वर्णमाला में पूरा करेंगे। और अब हमको पीकाबू हिंदी मैजिक कलरिंग बुकलेट ओपन करनी है। ओके बच्चों, कौन सी बुक खोलनी है? पीकाबू हिंदी मैजिक कलरिंग बुकलेट, और इसमें हमें पेज नंबर 5 ओपन करना है। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 5 ओपन करना है। उसमें हमको क्या मिलेगा? छोटी ई से इमली। देखिए कलर, देखिए इमली का, आप देख रहे हैं ये ब्राउन कलर है। और ये कौन सा कलर है पता है आपको? ये हरा रंग है। इमली का रंग भूरा होता है और पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो हमें सेम ऐसे ही कलर से इस इमली की पिक्चर को भी कलर करना है। ये जो चित्र बना हुआ है इसमें हमें सेम ऐसा ही कलर करना है। ओके बच्चों, तो अभी हमको क्या करना है? इमली में कलर करना है, रंग भरना है ना। इसको हमें अच्छी तरह से बिना निकाले हुए कलर करना है ना बच्चों? इमली में कौन सा कलर करना है? भूरा। तो बच्चों, हमें पत्तियों में हरा कलर करना है, ठीक है? इमली में भूरा और पत्तियों में हरा। और अब हमें पीकाबू हिंदी मैजिक प्रैक्टिस वर्कशीट में अपना काम पूरा करना है। ओके बच्चों, तो एक्टिविटी वर्कशीट में हमें पेज नंबर 5 ओपन करना है। पेज नंबर 5, आइए देखते हैं। ई वर्ण से आरंभ होने वाले चित्रों पर गोला लगाओ। ई वर्ण से आरंभ होने वाले चित्रों पर गोला लगाओ। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है छोटी ई से बताइए? छोटी ई से इमली होता है, अभी पढ़ा था ना हमने। तो हमें हमको इमली पर गोला लगाना है। और देखिए क्या होता है, छोटी ई से इलायची भी होता है, अभी पढ़ा था ना हमने वर्णमाला ज्ञान में। छोटी ई से इलायची, तो हमें इलायची पे भी गोला लगाना है। और देखिए क्या होता है, ये क्या है पहचाना? इमरती। छोटी ई से इमरती भी होता है, तो हमको इमरती पर भी गोला लगाना होगा, है ना बच्चों? और देखिए ये क्या है, इमारत, ये भी छोटी ई से होता है, तो छोटी ई से इमारत पर भी गोला लगाना होगा, ठीक है बच्चों? ये क्या है, आम, आम किससे होता है? बड़ा से होता है, छोटी ई से आम नहीं होता है, तो हमें इस पर गोला नहीं लगाना है। और ये क्या है, आलू, आलू भी बड़ा से होता है, छोटी ई से नहीं होता है ना,
तो हमें आलू पर भी गोला नहीं लगाना है। इमली, इलायची, इमरती, इमारत, हमको इन चारों पर ही गोला लगाना है। ठीक है बच्चों, और ये आपका होमवर्क है। क्या है बच्चों? होमवर्क। इसको आपको कलर करना है। ठीक है।